हेलो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जुलाई 2020 लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की। DU से एफिलिएटेड जो कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के 3 कोर्सेज चलते हैं, BPED, MPED और BSc इन फिजिकल एजुकेशन। इन तीनों के ही रजिस्ट्रेशन अगर आपको करने हैं तो वो DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दोस्तों करने होंगे। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि IGI अलग है और DU अलग है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। IGI जो है, IGI PES, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड एक कॉलेज है। तो उसके अगर आपको फॉर्म फिल करने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है उसके किसी भी कोर्स में, तो आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन दोस्तों करना होगा, ना कि IGI की वेबसाइट पर। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न थी, वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों इन तीनों ही कोर्सेज का, BPED, MPED और BSc इन फिजिकल एजुकेशन, इनका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरह से बदल चुका है दोस्तों। इस साल आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। लास्ट ईयर तक फिजिकल टेस्ट होता था ना आपका, पहले रिटर्न होता था, उसके बाद फिजिकल होता था और उसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग एक फाइनल मेरिट तैयार होती थी। इस साल क्या है, फिजिकल को पूरी तरह से हटा दिया गया है, आपका कोई फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट होगा और दूसरी चीज़ होगी आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स। यही दो चीज़ होंगी, इन दोनों चीज़ों के बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होगा, फाइनल मेरिट इन्हीं के बेसिस पर तैयार की जाएगी तीनों कोर्सेज की। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं दोस्तों इस वीडियो में दूंगा, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। शुरुआत करेंगे पहले हम दोस्तों रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है आपको, रजिस्ट्रेशन के बारे में, जैसा कि मैं दोस्तों मैंने बताया आपको, 4 जुलाई 2020 लास्ट डेट है, शाम 5 बजे से पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देना है DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, DU की ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in, यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर देना है। ठीक है, और जब आप DU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो अगर आपको BPED या MPED का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्लिक करना है PG एडमिशन पोर्टल 2020, वहाँ पर आप क्लिक करके BPED और MPED का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आपको BSc इन फिजिकल एजुकेशन का रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको क्लिक करना होगा UG एडमिशन पोर्टल 2020, वहाँ से आप BSc का फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई लोगों को इस बारे में भी कन्फ्यूज़न है कि जो BPED है वो तो एक बैचलर्स डिग्री का कोर्स है, तो यहाँ पर DU में PG एडमिशन पोर्टल पर उसके फॉर्म क्यों भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो BPED कोर्स है उसे PG प्रोग्राम की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इसी वजह से जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको PG एडमिशन पोर्टल पर जाकर उसके रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। ऐसे काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं कि BPED तो बैचलर्स की डिग्री है, फिर PG एडमिशन पोर्टल पर जाकर हम रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया है, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसे PG प्रोग्राम की कैटेगरी में रखा गया है, ये ही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, BPED और MPED का आपको PG एडमिशन पोर्टल पर करना है और BSc इन फिजिकल एजुकेशन का UG एडमिशन पोर्टल पर। अब फॉर्म फिल करने का क्या पूरा प्रोसेस है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ मैं सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मेन पॉइंट ये है हमारे इस वीडियो में। तो सेलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, पूरी तरह से दोस्तों बदल चुका है। आपका कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा, ना ही BPED में होगा, ना ही MPED में होगा, ना ही BSc इन फिजिकल एजुकेशन में होगा। ठीक है, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। अब थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको, पहले BPED और MPED की बात कर लेते हैं दोस्तों। BPED और MPED में लास्ट ईयर तक क्या होता था, सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होता था जो कि 60 मार्क्स का होता था, दूसरा आपका एक फिजिकल टेस्ट होता था, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया है तो आपका उसके बाद एक फिजिकल टेस्ट होता था जो कि वहाँ IGI के कैंपस में ही होता था, वो 20 मार्क्स का होता था, उसमें कैनेडियन टेस्ट होता था। उसके बाद 20 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के होते थे, आपके पास जिस भी लेवल का स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उसके लेवल के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉट किए जाते थे 20 में से, और उसके बाद इन तीनों के मार्क्स काउंट करके 100 मार्क्स में से फाइनल मेरिट तैयार होती थी BPED और MPED की। पिछले साल तक ये प्रोसेस था, लेकिन इस साल जैसा कि मैंने बताया फिजिकल टेस्ट खत्म हो चुका है, तो अब फिजिकल टेस्ट के जो 20 मार्क्स थे वो 20 मार्क्स भी दोस्तों अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में चले गए हैं। यानी कि अगर आपको
मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 40 में से मिलेंगे, अब 20 में से नहीं मिलेंगे। पहले 20 था, अब आपको 40 में से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स मिलेंगे, और जो रिटर्न टेस्ट है उसके मार्क्स आपको 60 में से दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो रिटर्न टेस्ट है उसके बारे में भी कुछ कन्फ्यूज़न है कई लोगों को। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हैं तो आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, और 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, लास्ट ईयर तक जैसा होता आया है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और उसमें को नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। तो इस तरह से होता है आपका रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन जब फाइनल मेरिट तैयार होती है तो रिटर्न के मार्क्स 60 में से काउंट किए जाते हैं, वो एवरेज निकाल लिया जाता है कि 60% रिटर्न का होगा, 40% इसका होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। इस तरह से फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो रिटर्न टेस्ट में दोस्तों कोई चेंजेस नहीं है, जो सिलेबस पहले था वो ही सेम सिलेबस अब है, कोई चेंजेस नहीं है। बीपीएड का भी वही है, एमपीएड का भी वही है। तो आपको तैयारी उसी तरह से करनी है जैसी आप रिटर्न की पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ आपको क्या नहीं करना, फिजिकल की तैयारी नहीं करनी है आपको, क्योंकि फिजिकल आपका होगा नहीं। तो रिटर्न में कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी में। चेंजेस किसके अंदर हैं, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अवार्ड में। अगर आपको रिटर्न के बारे में डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो मैंने यहाँ पर आईजीआई के बारे में ऑलरेडी बना रखी है, बीपीएड और एमपीएड पर, वहाँ रिटर्न के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ मैं मेनली क्या सिलेक्शन प्रोसीजर उसी के बारे में बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ आती है, रिटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरह से होगा, दूसरी चीज़ आती है 40 मार्क्स के आपके ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ डिटेल में। दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं बीपीएड और एमपीएड के, उन्हें 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स की, इन्हें पूरे 40 मार्क्स दिए जाएंगे उनके सर्टिफिकेट पर। ये वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में, वर्ल्ड गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, वर्ल्ड कप में, वगैरह वगैरह, पूरी एक लंबी लिस्ट है, आप स्क्रीन पॉज करके दोस्तों देख सकते हैं। इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स को पूरे 40 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में। ठीक है, उसके बाद आती है सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी है नेशनल लेवल के जो स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, ये वो स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो सीनियर नेशनल में, या ऑल इंडिया इंटर स्टेट में, या ऑल इंडिया इंटर जोनल में, या नेशनल गेम्स में, या फेडरेशन कप में। इनमें से भी किसी में भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हो और अगर उसकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही है तो कैंडिडेट को 30 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 28 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर 26 मार्क्स दिए जाएंगे, और सिर्फ पार्टिसिपेशन है अगर तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद है थर्ड कैटेगरी, ये ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी की है, यानी जिन कैंडिडेट ने ऑल इंडिया लेवल की जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है उसमें पार्टिसिपेट किया है और उसमें अगर उनकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो उन्हें 24 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 22 मार्क्स दिए जाएंगे, और थर्ड पोजीशन पर 20 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है कोई पोजीशन नहीं है तो 14 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आती है फोर्थ कैटेगरी, इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट। जो इंटर यूनिवर्सिटी जोनल टूर्नामेंट होते हैं उसमें अगर कैंडिडेट की फर्स्ट पोजीशन रही है तो उसे 18 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 16 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर 14 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन है तो 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद आती है फिफ्थ कैटेगरी, ये है नेशनल रूरल वुमेन यूथ चैंपियनशिप और फेस्टिवल। इसमें अगर किसी में भी आपने पार्टिसिपेट किया है और आपकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 10 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन पर 8 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर पार्टिसिपेशन है सिर्फ तो आपको मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे इस पर। ठीक है, यहाँ पर 0 मार्क्स मिलेंगे पार्टिसिपेशन के। उसके बाद आती है सिक्स्थ कैटेगरी, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग या तो आपने स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट किया हो या इंटर कॉलेजिएट लेवल पर पार्टिसिपेट किया हो। इनमें से अगर आपने पार्टिसिपेट किया है किसी में भी और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन रही है तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन रही है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे, और दोस्तों इसमें पार्टिसिपेशन का कोई मार्क्स नहीं है सिक्स कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बीपीएड और एमपीएड के कितने कितने मार्क्स अलॉट किए जाएंगे किस सर्टिफिकेट पर उसके बारे में डिटेल में आपको बताया। एक चीज़ इसके बारे में और समझ लीजिए, आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं वो स्कूल लेवल के नहीं चलेंगे, आपने ग्रेजुएशन में जिस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है वो ही आपके सर्टिफिकेट चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीपीएड में अगर आप एडमिशन लेंगे
या एमपीएड में एडमिशन लेंगे तो ग्रेजुएशन के बेस पर लेंगे, और एमपीएड में बीपीएड के बेस पर एडमिशन लेंगे। तो जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जब जो पार्टिसिपेट किया है वो सर्टिफिकेट आपके काउंट किए जाएंगे, स्कूल वाले सर्टिफिकेट काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और पिछले साल तक जैसा कि मैंने देखा था आपके करंट के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं लास्ट 3 ईयर्स के, तो इस बार भी लास्ट 3 ईयर्स के सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाएंगे। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो भी मार्क्स हैं वो प्लस आपने जो रिटर्न में जितने मार्क्स गेन किए हैं वो, इन दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट तैयार हो जाएगी बीपीएड की और एमपीएड की। और उसके बाद आपका जो भी सिलेक्शन होगा वो हो जाएगा। आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह देना होगा, वो तो बाद की बात है, वेरिफिकेशन के लिए फिर आपको यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपका मेरिट लगेगी वो इन दो चीज़ के बेसिस पर लगेगी, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स आपका लौट के जाएंगे। जिस समय आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस समय आपको जो आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। एक चीज़ कई लोग ये भी पूछते हैं कि मेरे पास दो सर्टिफिकेट हैं, क्या मैं दो सर्टिफिकेट अटैच कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते अटैच दो सर्टिफिकेट। एक ही सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है जो आपका हाईएस्ट हो, वो ही कंसीडर किया जाएगा, दो नहीं किए जाएंगे कंसीडर, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको दोस्तों बीपीएड और एमपीएड की बता दी है। और बाकी सीट्स की वगैरह के बारे में तो अभी कोई यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो सीट्स शायद कोई मतलब बड़ी नहीं होंगी सीट्स वगैरह, रिजर्वेशन का वही सेम है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं। फीस भी ऑलमोस्ट उतनी होगी जितनी पिछले साल थी, उसमें भी कोई खास चेंजेस नहीं आए होंगे। तो जैसा भी होता है उसके बारे में आपको बता दूंगा, फिलहाल आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है अपनी रिटर्न की, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन की। बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन 12th के बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। उसके लिए आपको कहाँ अप्लाई करना होगा? यूजी एडमिशन पोर्टल 2020 पर जाकर आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। अब बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन का भी सेम यही है, उसका फिजिकल भी हटा दिया गया है और उसका सिर्फ एक रिटर्न टेस्ट होगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, और दूसरा आपका क्या होगा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स दिए जाएंगे। तो बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन में लास्ट ईयर तक क्या होता था, 30 मार्क्स के आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते थे, 20 मार्क्स का आपका फिजिकल होता था जिसमें कैनेडियन टेस्ट होता था, और जो 60 मार्क्स है उसमें आपका रिटर्न टेस्ट होता था उसके बेसिस पर, सॉरी 50 मार्क्स होता था बीएससी का, उसके बेस पर आपका आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाती थी। लेकिन इस साल जैसा कि मैंने बताया फिजिकल टेस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, तो फिजिकल टेस्ट के जो 20 मार्क्स थे वो 20 मार्क्स भी अब जो आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं उनमें ऐड हो गए हैं। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अब आपके 30 मार्क्स के बजाय 50 मार्क्स से हो गए हैं दोस्तों। आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के जो मार्क्स अलॉट किए जाएंगे वो 50 में से किए जाएंगे, ठीक है, और 50 का होगा आपका रिटर्न टेस्ट। तो रिटर्न टेस्ट का सेम वही सिलेबस है जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 12th क्लास के आपको CBSE की बुक लेनी है फिजिकल एजुकेशन की, उससे तैयारी करनी है आपको, और टारगेट फिजिकल एजुकेशन एक बुक है बीएससी वालों के लिए, वो कर सकते हैं तैयारी उससे, और बीपीएड और एमपीएड वाले भी उससे कर सकते हैं तैयारी। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, सेम वही है जो पिछले साल तक था, क्वेश्चन भी उसी तरह से आएंगे, उसी पैटर्न पर आएंगे, ठीक है। तो आप मेरी प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ भी देख सकते हैं दोस्तों बीएससी वाले। अब बता देता हूँ मैं दोस्तों आपको कि बीएससी में जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है उस पर कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों बीएससी के जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं उन्हें 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की। ये वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो ओलंपिक गेम्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, वर्ल्ड कप में वगैरह वगैरह, पूरी एक लिस्ट है, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो इंटरनेशनल लेवल पर उन गेम्स में, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो उन्हें पूरे 50 मार्क्स दिए जाएंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पर। उसके बाद आती है दोस्तों सेकेंड कैटेगरी, ये नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। वो स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो सीनियर नेशनल में या जूनियर नेशनल में या ऑल इंडिया इंटर स्टेट में या ऑल इंडिया इंटर जोनल में या नेशनल गेम्स में या फेडरेशन कप में, इनमें से किसी में भी कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया हो और उसकी उसमें फर्स्ट पोजीशन रही हो तो उसे 42 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर सेकंड पोजीशन रही हो तो 38 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर थर्ड पोजीशन रही हो तो 35 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन रहा हो तो आपको 17 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आती है थर्ड कैटेगरी, ये SGFI वाली कैटेगरी है। जिन स्टूडेंट ने SGFI में पार्टिसिपेट किया है और उनकी फर्स्ट पोजीशन रही है उन्हें 33 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन रही है तो 30 मार्क्स दिए जाएंगे, थर्ड पोजीशन रही है तो 27 मार्क्स दिए जाएंगे,
और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन रहा है तो 13 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आती है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है स्टेट लेवल चैंपियनशिप, वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, रूरल नेशनल चैंपियनशिप या CBSE नेशनल, KVS नेशनल, DAVI नेशनल चैंपियनशिप। इनमें से किसी में भी अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 23 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 22 मार्क्स, थर्ड पोजीशन पर 20 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आती है फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपने पार्टिसिपेट किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिशन में या स्कूल इंटरजोनल लेवल के कॉम्पिटिशन में या नवोदय पब्लिक स्कूल नेशनल्स एंड रीजनल्स, CBSE रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट लेवल वुमेन रूरल कॉम्पिटिशन, इनमें से किसी भी इवेंट में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और उसमें अगर आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो आपको 10 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे और थर्ड पोजीशन पर आपको 7 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है लास्ट कैटेगरी, कैटेगरी 6। ये है दिल्ली स्कूल जोनल, KVS रीजनल, CBSE क्लस्टर, नवोदय रीजनल, DAVI रीजनल, नेशनल, रीजनल इंटरसैनिक स्कूल चैंपियनशिप। इनमें से किसी में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और आपकी फर्स्ट पोजीशन रही है तो दोस्तों आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, सेकंड पोजीशन पर 3 मार्क्स और थर्ड पोजीशन पर 2 मार्क्स। तो दोस्तों ये बात की हमने BSc इन फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, कौन से सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलेंगे, उसकी मैंने आपको डिटेल दे दी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका जो हाईएस्ट सर्टिफिकेट है एक ही सर्टिफिकेट आपका काउंट किया जाएगा, एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट काउंट नहीं किए जाएंगे। तो जब आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो भी आपका हाईएस्ट सर्टिफिकेट है वो ही आप अटैच करें, वो ही आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। और आपके जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हैं, एक चीज़ और है BSc वालों के लिए, वो स्कूल लेवल के या तो SGFI से होने चाहिए आपके, SGFI से अप्रूव्ड, या जो कंसर्न फेडरेशन है उससे होने चाहिए, IOA की लिस्ट में होने चाहिए। ये तीन चीज़ें, या तो IOA की लिस्ट में हो या आपके जो गेम की कंसर्न फेडरेशन है उससे होने चाहिए और या SGFI की लिस्ट में हो वो गेम, तभी आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई दोस्तों इसकी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की। इन दोनों चीज़ के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, रिटर्न टेस्ट और आपके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कोई फिजिकल आपका नहीं होगा, ना ही BSc और ना ही BPED और MPED, ठीक है। तीनों का एक ही प्रोसीजर है, थोड़ा मार्क्स का BSc का अलग है, बाकी BPED और MPED का तो वही है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ क्वेरीज ले लेते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूज़न है यहाँ IGI से रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो वही कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि IGI और DU अलग हैं क्या। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी जैसा बताया, मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि देखिए IGI PES, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, एक कॉलेज है फिजिकल एजुकेशन का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। अगर आपको IGI से कोई कोर्स करना है तो आपका एडमिशन DU के थ्रू ही होगा, रजिस्ट्रेशन आपका DU में होगा, उसके बाद एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो IGI में जाकर पूरा होगा, वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ IGI में होंगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा है कि हम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो BPE कोर्स होता है वो होता है कि नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों BPE कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होता, DU का एक ही कॉलेज है जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है वो है IGI। यहाँ पर BSc इन फिजिकल एजुकेशन, BPED और MPED यही तीन कोर्स होते हैं, ये भी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में वैसे बता चुका हूँ। तो इन तीनों कोर्सेज में ही एडमिशन होते हैं, BPE कोर्स नहीं होता यहाँ पर। BPE BSc इन फिजिकल एजुकेशन की तरह ही एक कोर्स है 3 साल का जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं, तो वो किसी अदर यूनिवर्सिटी से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर आपको BPE करना है तो आपको BSc इन फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर देना चाहिए, दोनों सेम ही कोर्स हैं, 3 साल की ड्यूरेशन है, सब कुछ सेम है दोनों का, तो आप BSc इन फिजिकल एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BPE और BSc इन फिजिकल एजुकेशन एक ही चीज़ समझिए आप, अलग अलग नाम है दोनों के, बस ये समझ लीजिए आप। एक किसी ने पूछा है कि IGI में 3 ईयर की BPED है या नहीं। तो दोस्तों IGI में ही नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी में इंडिया की 3 ईयर्स की BPED नहीं है। BPED जो होती है ग्रेजुएशन के बाद वो 2 ईयर्स की होती है, और LNIP में जो BPED होती है वो 4 ईयर्स की होती है, LNIP से अलग 4 ईयर्स की कहीं नहीं होती, और 3 ईयर्स की BPED तो दोस्तों होती ही नहीं, कहीं नहीं होती, 2 ईयर्स की ही BPED है। यहाँ IGI में भी 2 ईयर्स की BPED है, 3 ईयर्स की नहीं है। कई लोग ये भी पूछते हैं 1 ईयर की BPED कहाँ होती है, दोस्तों 1 ईयर की भी कहीं नहीं होती है, 2 ईयर्स की होती है BPED, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा है अंश सिंह ने, उन्होंने पूछा है कि मेरे 50%
एंट्रेंस के मार्क्स हैं और 50% सर्टिफिकेट के मार्क्स हैं, लेकिन मेरे पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, सभी के लिए है ये, बीएससी, बीपीएड और एमपीएड सभी के लिए। आपके पास अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में 0 मार्क्स मिलेंगे। आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, वो है रिटन टेस्ट। अब रिटन टेस्ट में आप मेहनत करिए, अगर रिटन टेस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, तो ये चीज़ है, आप अप्लाई लेकिन कर सकते हैं। और सारी डिटेल्स मैंने दोस्तों आपको दे दी एडमिशन से रिलेटेड, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है, और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है वो भी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ, रिजर्वेशन की वही सेम पॉलिसी है उसके बारे में बता चुका हूँ, सीट्स वगैरह कोई चेंजेस शायद नहीं आए हैं अभी तक तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलता है वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी चीज़, आप जो यहाँ का पीजी बुलेटिन और यूजी बुलेटिन है वो भी आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ें, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको खुद भी समझ में आएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आपको अगर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी, रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली इसी तरह की हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो में।